Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बाहुबली नेताओं के बेटे हों या फिर अपने आप को दिग्गज नेता कहे जाते हों या फिर अपोजिशन के बोलने वाले नेता हों, जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है उन लोगों की हवा टाइट है और उनको लगातार पुलिस प्रशासन और योगी सरकार का जो कहर और जो डंपर है वो कहीं ना कहीं उन नेताओं पर चलते नजर आ रहा है। मुख्तार अंसारी से लेकर अतीक अहमद से लेकर तमाम ऐसे दिग्गज नेता के जो बेटे हैं उनकी मुश्किलें तो बढ़ी रही है, उनके साथ उनके परिवार और रिश्तेदारों की भी लगातार मुश्किलें बढ़ रही है। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश के एक दिग्गज नेता आते हैं, उनका नाम है आजम खान। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम भी काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं और उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जो उत्तर प्रदेश के राजनीति में एक नया भूचाल लेकर आने वाला है। दरअसल बात करें तो समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के बेटे विधायक अब्दुल्ला आजम ने रामपुर पुलिस पर गंभीर आरोप लगा दिया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि रामपुर में अब न्यायिक प्रक्रिया का कोई मतलब नहीं है। स्वार विधायक ने बुधवार को एक के बाद एक ट्वीट किए। पहले ट्वीट में उन्होंने लिखा कि धारा 144 के खिलाफ और लोगों के मुद्दे पर मैं ना बोलूं, इसलिए कोशिश की जा रही है कि मेरा नाम मुकदमे में डालकर मेरी आवाज को दबाया जा सके, लेकिन मैं जब तक हूं लोगों पर होने वाले जुल्म के खिलाफ उनकी आवाज उठाता रहूंगा। दूसरे ट्वीट में अब्दुल्ला ने लिखा कि गांव-गांव के लोगों को उठाकर अजीम नगर थाना और एक बड़े पुलिस अधिकारी के दफ्तर ले जाकर धमकाया जा रहा है। अब रामपुर में थाने ही अदालत बन चुके हैं, शायद रामपुर में अब किसी न्यायिक प्रक्रिया का मतलब नहीं रह गया है। उन्होंने एक ट्वीट और किया जिसमें लिखा है कि झूठ की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती है, लेकिन एक झूठ को छुपाने के लिए लाखों झूठ बोलने पड़ते हैं। लगातार रामपुर ने पुलिस के जरिए लोगों को धमकाया है और वे आजम खान साहब और यहां के लोगों के खिलाफ FIR लिखवाए धमकाने की। अब्दुल की ये ट्वीट लगातार लाइक्स और रिट्वीट किए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से रामपुर में भाजपा के विधायक और भाजपा के सांसद बने हैं उसके बाद आजम खान और आजम खान के बेटे लगातार जो है वो योगी सरकार पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। खैर, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।